हेलो दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एंटरटेन करने के साथ साथ समाज को बदलने का दम भी रखती हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी ही फिल्म जिसने रिलीज के बाद साउथ कोरिया में बवाल मचा दिया। इस फिल्म ने वहां की सोसाइटी का ध्यान उस केस की तरफ खींचा जिसमें पहले इंसाफ नहीं हुआ था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म के लीड रोल में है कैंग, जो कि एक आर्ट टीचर है। वो अपनी कार से म्यूजिन शहर जा रहा है, जहाँ के एक बड़े स्कूल में उसकी नई नई जॉब लगी है। ये जॉब उसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार डैमेज हो जाती है। वो अपनी कार रिपेयर के लिए देने के बाद उसी शहर जा रही एक लड़की जिसका नाम जिन है, उसे लिफ्ट लेता है। वहीं फिल्म में दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एक छोटा बच्चा एक हाई स्पीड ट्रेन के सामने आके सुसाइड कर लेता है। बातचीत के दौरान जिन बताती है कि वो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, और कैंग उसे बताता है कि वो एक आर्ट टीचर है और वो जिस स्कूल में जॉब के लिए जा रहा है वो स्कूल ऐसे बच्चों का है जो सुन और बोल नहीं सकते, और इसीलिए कैंग को साइन लैंग्वेज भी आती है, जो कि गूंगे और बहरे बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी है। और इस सफर के अंत तक इन दोनों की हल्की फुल्की दोस्ती भी हो जाती है। जाने से पहले जिन कैंग को बोलती है कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने की वजह से शहर की पुलिस से भी उसकी ठीक ठाक जान पहचान है। कैंग स्कूल पहुंच के वहां के प्रिंसिपल से मिलता है, और इनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि कैंग को ये जॉब उसके कॉलेज प्रोफेसर किम की सिफारिश पे मिली है। प्रोफेसर किम और इस स्कूल के प्रिंसिपल दोनों अच्छे दोस्त हैं। तभी वहाँ उस स्कूल का एडमिन आता है, जो असल में प्रिंसिपल का छोटा भाई है, और ये दोनों भाई जुड़वा हैं। एडमिन इस स्कूल में काम करने के रूल समझाने के लिए कैंग को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो कैंग को कहता है कि इस जॉब के लिए उसे रिश्वत के तौर पे 50 लाख कोरियन वॉन यानी के लगभग 3 लाख इंडियन रुपीज देने होंगे। फिर कैंग उस रात अपनी मदर को फोन करके पैसों का इंतजाम करने को कहता है। अगले दिन कैंग जब क्लास ले रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ के बच्चे थोड़े डरे सहमे से हैं, और वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम मिंग है, जो अपना असाइनमेंट भी सॉल्व नहीं कर रहा, और उसके फेस पे चोट के निशान भी थे। इसके बाद कैंग उस स्कूल के सीनियर टीचर पार्क से मिलके स्टूडेंट का स्ट्रेंज बिहेवियर और मिंग के बारे में बताता है। पार्क उसे बताता है कि मिंग का छोटा भाई अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, इसलिए उसके दिमाग पे गहरा सदमा लगा है, और वो काफी जिद्दी भी है, तो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताएगा। शाम को कैंग की मदर उसे फोन करके बताती है कि पैसों का इंतजाम हो गया है, और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कैंग की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक छोटी बेटी है जो कैंग की मदर के साथ ही रहती है। तभी कैंग वहाँ किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो वहाँ जाके देखता है कि लेडीज टॉयलेट के अंदर से ये आवाज आ रही है। वो वहाँ बाहर खड़ा होकर पूछता है कि अंदर कौन है और उसे क्या परेशानी है। तभी वहाँ उस स्कूल का वॉचमैन आता है, जो कैंग को बोलता है कि जब ये बच्चे बोर होते हैं तो इसी तरह से चिल्लाते हैं, और वो कैंग को वहाँ से जाने को कहता है। अगले सीन में हम इस शहर के एक पुलिस ऑफिसर को प्रिंसिपल से रिश्वत लेते हुए देखते हैं, और ये दोनों स्कूल में हुए किसी कांड के सेटलमेंट की बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में टीचर पार्क अपने स्टूडेंट मिंग को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। कैंग जाके उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, तो पार्क उसे बताता है कि कल रात इसने इस कैंपस से भागने की कोशिश की और ये पहले भी ऐसा कर चुका है। वहां से जाने से पहले पार्क मिंग की आंखों में देख के कहता है कि आखिर तुम मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझते। कैंग अब इस बात को समझने लगा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शाम को जब स्कूल से वो वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़की खिड़की के बाहर पैर लटकाए बैठी हुई है। वो डर जाता है और उसे काफी आवाजें लगाता है, लेकिन वो लड़की तो कुछ सुन नहीं सकती, तो वो जल्दी से उसके कमरे में जाता है और उसे खिड़की से नीचे उतारता है। ये देख के वो लड़की डर जाती है और कैंग को अपने से दूर करती है। कैंग उसे इशारों में समझाता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। वो लड़की कैंग को सीढ़ियों के रास्ते नीचे लेके जाती है और एक गेट की तरफ इशारा करके वो वहां से चली जाती है। कैंग जब गेट खोल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक औरत एक स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रही है। वो उस पे गुस्सा होता है और आगे से ऐसा ना करने की धमकी भी देता है। वो औरत कहती है कि मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ और इन बच्चों के साथ ऐसे ही डील किया जाता है। कैंग उस लड़की को हॉस्पिटलाइज कराता है और वहाँ वो अपनी ह्यूमन एक्टिविस्ट फ्रेंड जिंग को भी कॉल करके बुलाता है। जिंग को भी उस स्टूडेंट की हालत देख के बहुत गुस्सा आता है और वो कैंग से कहती है कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। अगले सीन में कैंग इंचार्ज लेडी की कंप्लेन करने प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, हमें पता है कि उसका तरीका बच्चों के साथ डील करने का अच्छा नहीं है और हम इस बारे में उससे बात करेंगे। कैंग उसे बताता है कि उसने उस स्टूडेंट को हॉस्पिटलाइज कराया है, जो बात शायद प्रिंसिपल को कुछ खास पसंद नहीं आती। प्रिंसिपल उससे कहता है कि तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ और इस मैटर को अब हम पे छोड़ दो, हम उसे वहां से डिस्चार्ज करवा लेंगे। जिंग कैंग को कॉल करके अकेले में मिलने को बुलाती है और वहां वो उसको कुछ ऐसी बातें बताती है जिसको सुनके किसी की भी रूह कांप जाए। वो बताती है कि जो लड़की हॉस्पिटलाइज है उसने जिंग के लिए एक लेटर लिखा है,
और उस लेटर में उसने बताया है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और स्कूल की वो लेडी इंचार्ज प्रिंसिपल की मुंह बोली बहन है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये है कि वो दोनों लवर्स भी हैं। स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। प्रिंसिपल का जुड़वा भाई जो स्कूल का एडमिन है वो भी इसमें शामिल है। और इस स्कूल का टीचर पार्क स्कूल के लड़कों का यौन शोषण करता है और वो कैंग को बताती है कि पुलिस भी इसमें शामिल है, इसीलिए बच्चे अपनी कंप्लेन कहीं कर नहीं पाते। इस सब सुन के कैंग के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि उसने प्रिंसिपल को उस हॉस्पिटल के बारे में बता दिया है जहां उस लड़की को एडमिट किया है, तो उसको डिस्चार्ज कराने के लिए वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागता है। और दूसरी तरफ उस लड़की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए प्रिंसिपल भी अपनी टीम के साथ जाता है, लेकिन कैंग और जिंग उनसे पहले पहुंच के उसको डिस्चार्ज करा के अपने घर ले आते हैं। वहां कैंग इशारों की भाषा में उस लड़की से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। वो काफी डरते हुए अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि एक रात प्रिंसिपल उसको अपने ऑफिस में बुला के जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको धक्का दे के वो वहां से भाग जाती है और जाके सीधा लेडीज टॉयलेट में छुप जाती है। लेकिन वो वहां आके उसको ढूंढ लेता है और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो नहीं मानती तो वो उसको मारने लगता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये उसी रात की बात है जब कैंग को लेडीज टॉयलेट से किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी। इन सारी बातों की ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। इनके घर पे वो दूसरी लड़की भी मौजूद है जो उस दिन गुमसुम सी खिड़की पे बैठी थी। तब वो भी अपनी कहानी बताती है कि प्रिंसिपल ने एक दिन उसके साथ भी रेप करने की कोशिश की थी, और ये बताते हुए वो फूट फूट के रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैंग की मदर और बेटी उससे मिलने आए हैं, और कैंग की मदर स्कूल के प्रिंसिपल के लिए एक तोहफा भी लाई है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैंग की बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसकी काफी केयर करनी पड़ती है। कैंग की मदर उसको बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे प्रिंसिपल के काफी अच्छे लिंक्स हैं, तो अगर वो चाहे तो तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारे शहर में करवा सकता है। कैंग गुस्से में अपनी मॉम को बोलता है कि ये लोग बहुत ही घटिया लोग हैं, मुझे इनसे किसी भी तरह का फेवर नहीं चाहिए। तो कैंग की माँ उसे बताती है कि रिश्वत वाले पैसे देने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब पहले से भी ज्यादा खराब है, तो तुम बस अपनी जॉब पे ध्यान दो और पैसे कमाओ। उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले जिंग उस शहर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये सारी घटनाएं क्लास खत्म होने के बाद हुई, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। असल में उस स्कूल का प्रिंसिपल एक पावरफुल आदमी है, तो कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद जिंग पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस वाले तो पहले ही प्रिंसिपल से मिले हुए हैं। वो जिंग को कहता है कि ऐसे बच्चे जो ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, इनके कहने पर हम इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। जिंग उसको धमकी देती है कि वो अदालत जाएगी, लेकिन इस बात से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो एक्शन लेने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल टीचर पार्क मिंग की प्रिंसिपल ऑफिस में बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। प्रिंसिपल उसको कहता है, मिस्टर पार्क, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, यहाँ ये सब मत करो और किसी शांत जगह पे ले जाके इसको पीटो। कैंग ऑफिस के बाहर ही खड़ा है और उसे अच्छे से पता है कि अंदर क्या चल रहा है। वैसे तो कैंग बहुत ही शांत आदमी है, लेकिन अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सब कुछ। पार्क जब मिंग को ले जा रहा होता है तो कैंग उसके सर पे गमला मार के उसका सर फोड़ देता है। इसके बाद कैंग मिंग को ह्यूमन राइट सेंटर ले जाता है, जहां वो उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। मिंग काफी डरा हुआ है और वो इशारे में उससे पूछता है कि अगर उसने सब कुछ बताया तो क्या उन लोगों को सजा होगी। कैंग उसे वादा करता है कि उनको सजा जरूर होगी। कैंग उससे पूछता है कि तुम्हारे छोटे भाई ने रेलवे ट्रैक पे जाके सुसाइड क्यों किया। तब मिंग उसे बताता है कि स्कूल टीचर पार्क पिछले कई महीनों से उसका रेप कर रहा है, लेकिन फिर एक दिन वो मिंग के छोटे भाई को भी अपने घर बुलाता है। मिंग उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन पार्क उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसके छोटे भाई का भी रेप करता है। ये सदमा मिंग का छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी रात वो रेलवे ट्रैक पे जाके सुसाइड कर लेता है। कोरिया का एक बड़ा न्यूज चैनल ये सारी बातचीत अपने चैनल पे लाइव टेलीकास्ट करता है, जिससे वहाँ हंगामा मच जाता है और आखिरकार उस रिश्वतखोर पुलिस वाले को इन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता है। जब वो उस स्कूल के प्रिंसिपल को पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है, तब वो रास्ते में एक जगह गाड़ी रोक के उसे समझाता है कि सबसे पहले तो एक अच्छा वकील करो जिसके कॉन्टेक्ट जज से हो, ताकि कल को जज को भी पैसा खिला सको, और क्योंकि तुम एक बहुत ही रिलीजियस क्रिश्चियन हो तो अपने चर्च को कहो कि तुम्हारी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करे। ये मैटर अब बहुत बड़ा हो चुका है, तो मेरे सीनियर्स का काफी दबाव है मुझ पे, तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर अगले दिन इस शहर के चर्च के लोग इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू भी कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस केस का जो जज है उसका ये पहला ही केस है। इससे पहले ये एक लॉयर था, गवर्नमेंट के किसी नए रूल की वजह से उसको ये केस मिला है। इस केस की पहली सुनवाई में कोई भी खास नतीजा नहीं निकलता। कोर्ट की हियरिंग के बाद स्कूल प्रिंसिपल की वाइफ कैंग को आके थप्पड़ मारती है और वो जिंग से भी लड़ना शुरू कर देती है। कैंग को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं, तो वो जिंग से पूछता है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ऑफिस में स्टे कर सकता हूँ, जिसपे जिंग मान जाती है।
इसके बाद हमें कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई दिखाई जाती है। यहाँ सबसे पहले बयान देने के लिए स्कूल के वॉचमैन को बुलाया जाता है। अब क्योंकि वो तो प्रिंसिपल के टुकड़ों पर ही पलता है तो वो तो उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। इन बच्चों का वकील जब उससे सवाल करता है तब उसका झूठ पकड़ा जाता है और इस बात पे जज उसको फटकार भी लगाता है। इसके बाद गवाही के लिए उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने उस लड़की का हॉस्पिटल में इलाज किया था, और ये भी उन पावरफुल लोगों के साथ मिली हुई है क्योंकि उसने उस लड़की की दो अलग रिपोर्ट्स बनाई है, जहां एक में लिखा है कि उस लड़की के साथ गलत काम हुआ था और दूसरी में लिखा है कि नहीं हुआ था। सुनवाई के दौरान उसका भी झूठ पकड़ा जाता है और जज उसे भी डांट लगाता है। इसके बाद गवाही के लिए उन तीन स्टूडेंट्स में से एक लड़की को बुलाया जाता है, जहां वो अपनी सांकेतिक भाषा में बताती है कि स्कूल का प्रिंसिपल, उसका भाई और स्कूल टीचर पार्क पिछले कई सालों से उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट की इस सुनवाई में भी कोई फैसला नहीं होता। स्कूल प्रिंसिपल का दोस्त प्रोफेसर किम को भी इस केस की जानकारी है, और क्योंकि उसने ही कैंग की जॉब इस स्कूल में लगवाई थी तो वो कैंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। कैंग वहां जाके देखता है कि विरोधी पार्टी का वकील भी उनके साथ बैठा है। प्रोफेसर किम उसे समझाते हैं कि उन बच्चों को न्याय दिला के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ये केस वापस ले लो तो तुम्हें इसके कई सारे फायदे होंगे। इस केस को वापस लेने के लिए तुम्हें काफी सारे पैसे और तुम्हारे खुद के शहर में तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, और मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो तुम्हें उसको इलाज के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। कैंग ये ऑफर ठुकरा देता है और बदले में सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर मैंने ये केस वापस ले लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट रूम के अंदर जाने से पहले कैंग की माँ उससे मिलने आती है और वो उस पे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ जॉब करने आए थे, ये सब किन चक्करों में फंस गए? क्या तुम्हारे लिए ये बच्चे तुम्हारी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कैंग अपनी माँ की बात को अनसुना करके सुनवाई के लिए चला जाता है। आज अदालत में बयान देने के लिए उस लड़की को बुलवाया जाता है जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। वो अपनी भाषा में बताती है कि पिछले कुछ सालों में प्रिंसिपल ने कई बार उसके साथ गलत काम किया है। स्कूल प्रिंसिपल का वकील काफी श्याणा है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो इन दोनों भाइयों में से प्रिंसिपल कौन है, क्योंकि वो दोनों जुड़वा है। फिर वो लड़की उन दोनों के पास जाती है और अपनी सांकेतिक भाषा में उन दोनों को कुछ करके दिखाती है, और इसके बाद वो पहचान लेती है कि दोनों में से प्रिंसिपल कौन है। जज उस लड़की से पूछता है कि तुमने इन दोनों जुड़वा भाइयों में से प्रिंसिपल को कैसे पहचाना, तो वो बताती है कि हर बार गलत करने के बाद स्कूल का प्रिंसिपल सांकेतिक भाषा में उसे जान से मारने की धमकी देता था। उसने उसी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल इन दोनों के सामने किया, जिसपे स्कूल प्रिंसिपल ने शर्मिंदा होकर उस बात का रिएक्ट किया और इसी कारण वो प्रिंसिपल को पहचान पाई। इस बच्ची की गवाही से अब इनका केस काफी स्ट्रांग हो चुका है। फिर जज कहता है कि इस केस की आखिरी सुनवाई नेक्स्ट फ्राइडे को होगी और उसी दिन इस केस का फैसला भी हो जाएगा। अगले सीन में जिंग मिंग के घर उसकी ग्रैंड मदर से मिलने जाती है, तभी वो उस स्कूल की लेडी इंचार्ज को उस घर से बाहर आते देखती है। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि मिंग के पेरेंट्स काफी पहले ही मर चुके हैं और उसकी ग्रैंड मदर ने ही मिंग और उसके छोटे भाई को पाला है। ये लोग इतने गरीब हैं कि दो टाइम खाने के पैसे भी इनके पास नहीं है। स्कूल वालों ने इनकी मजबूरी का फायदा उठा के इनको कुछ पैसे दिए और उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। जिंग को ये सब जान के बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या। मिंग को अभी तक ये बात नहीं पता है कि उसकी ग्रैंड मदर ने केस वापस ले लिया है। कैंग मिंग को पैसों वाली बात बता के उसकी ग्रैंड मदर को उसकी नजरों में नहीं गिराना चाहता, तो वो उसको कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर एक बहुत ही काइंड पर्सन है, तो उन्होंने ये केस वापस ले लिया जिस वजह से अब तुम गवाही नहीं दे सकते। ये सुन के मिंग को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है, और वो कैंग पे भी गुस्सा होते हुए कहता है कि आपने वादा किया था कि आप उनको सजा दिलवाओगे, लेकिन कैंग मजबूर है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उस रात जब कैंग सो रहा होता है तो उसकी एक स्टूडेंट उसे जगा के कहती है कि प्रिंसिपल जब भी किसी लड़की के साथ गलत काम करता था तो उसका वीडियो भी बनाता था, तो अगर वो रिकॉर्डिंग समय मिल जाए तो ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। और उसी रात कैंग और जिंग स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस में उनको वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, जिसको लाके वो अपने वकील को दिखाते हैं। वकील कहता है ये काफी बड़ा सबूत है, लेकिन कोर्ट रूम में इस वीडियो को नहीं चला सकते, तो वो इस केस के जज से पर्सनली मिलेगा और उनको खुद ये सबूत दिखाएगा। और फाइनली इस केस के फैसले का दिन आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन तीन विक्टिम में से दो की फैमिली ने पैसे लेके सेटलमेंट कर लिया है, तो बस एक ही लड़की का केस यहाँ पर बचता है जिसको कैंग ने हॉस्पिटलाइज कराया था। और अंत में जज फैसला सुनाता है जिसमें प्रिंसिपल और उसके भाई को सिर्फ 6 महीने जेल होती है और स्कूल टीचर पार्क को सिर्फ 8 महीनों की जेल होती है। ये देख के कैंग और जिंग बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रांग केस होने के बावजूद भी इन लोगों को इतनी कम सजा होना सही मायने में न्याय नहीं है। इस फैसले के बाद जिस तरह से कैंग अपने वकील की तरफ देखता है, ऐसा लगता है कि उसे शक है कि ये भी उन लोगों से मिला हुआ है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के वो तीनों क्रिमिनल्स अपने वकील के साथ किसी क्लब में पार्टी कर रहे हैं। स्कूल का प्रिंसिपल अपने वकील से पूछता है कि तुमने इस केस का फैसला हमारे पक्ष में कैसे करवाया। तब वो बताता है कि जज को उसने काफी सारे पैसे खिलवाए और इन बच्चों के वकील को खरीदने के लिए उसने पैसों के साथ साथ उसको अपने यहाँ एक जॉब भी ऑफर करी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंग इस फैसले से मायूस होकर ये शहर छोड़ के जा रहा है। जिंग उसको कहती है कि वो जाने से पहले एक बार उन बच्चों से मिल ले, लेकिन कैंग मिलने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है वो इन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। मिंग भी इस फैसले से बहुत दुखी है, तो वो पार्क से बदला लेने के लिए एक रेलवे लाइन के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। तब पार्क वहां आता है और वो मिंग को देख के कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और मेरे साथ घर चलो। तभी अचानक से मिंग उसे चाकू मार देता है, जिससे गुस्सा के पार्क मिंग को बुरी तरह से पीटने लगता है। मिंग पार्क के पैरों में भी चाकू मारता है, जिससे पार्क घायल होकर वहीं नीचे गिर जाता है। तभी मिंग की नजर उस ट्रेन पे पड़ती है जो उसी लाइन पे आ रही है जिसपे ये दोनों लड़ रहे हैं, और फिर वो पार्क के साथ बुरी तरह से लिपट जाता है। ना तो वो लाइन से खुद हटता है और ना ही उसे जाने देता है, और फिर वो ट्रेन इन दोनों के ऊपर से गुजर जाती है जिसमें ये दोनों मारे जाते हैं। मिंग ने अपनी जान गंवा के अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। कैंग, जिंग और उस शहर के वो सारे लोग जो बोल और सुन नहीं सकते, इन सभी घटनाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन पुलिस भी इनके ओपोनेंट्स के साथ मिली हुई है, तो इस प्रदर्शन का कोई भी फायदा नहीं होता और इन सबको वहां से भगा दिया जाता है। इसके बाद फिल्म में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कैंग अब अपने शहर वापस चला गया है। वो दोनों विक्टिम लड़कियां अब जिंग के साथ ही रहती हैं। ये दोनों आज भी उस केस को लड़ रहे हैं, भले ही इंसाफ की उम्मीद ना के बराबर हो। और इसी पेनफुल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों, मैं इसे आज तक की देखी हुई मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल फिल्म मानता हूँ, क्योंकि इस फिल्म ने रिलीज के बाद रियल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है, ये सारा घटनाक्रम 2005 का है और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2011 में। इस फिल्म ने रिलीज के बाद कोरिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जिसके दबाव में आके वहाँ की गवर्नमेंट को ये केस रीओपन करना पड़ा, और तब उन दोनों मुजरिमों को सजा भी हुई और साथ ही कोरिया के क्रिमिनल लॉज के रूल्स भी बदले गए। फिल्म में जहाँ एक तरफ हम स्कूल स्टाफ के घटिया लोग देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें कैंग जैसे ईमानदार लोग भी देखने को मिलते हैं, जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।